हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु कुर्मी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ी फरा। ये छत्तीसगढ़ का फेमस डिश है। ये ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पका हुआ चावल, 2 कप चावल आटा, 4 लाल मिर्ची, आधा चम्मच तिल, आधा चम्मच नमक। अब हम लेंगे एक बर्तन, इस पर डालेंगे चावल, पका हुआ चावल, चावल आटा और नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इन तीनों को मिलाकर आटा गूंथना है। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा इस पर पानी डाल लीजिए। मैं तो बिना पानी के ही आटा सही, यहाँ पर मैंने इसका आटा गूंथ लिया है। आटे को कड़क ही रखना है। अब मैं लूंगी एक थाली और हाथ पर लगाऊंगी थोड़ा सा तेल। अब एक छोटी सी लोई तोड़ लूंगी। अब इसकी छोटी छोटी और लोइयां तोड़ूंगी। अब हाथ पर लगाऊंगी तेल, दोनों हथेलियों के बीच पे एक छोटा सा लोई रखूंगी और उसे फरे का शेप दूंगी। ये है मेरा फरा। ऐसे ही पूरा गुथा हुआ आटा को फरा का शेप देना है। अब मैं कढ़ाई पर 1 चम्मच तेल डालूंगी। तिल, अब इस पर डालूंगी मिर्ची। आप चाहते हैं तो हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाल मिर्ची का। मैंने यहाँ पर दोनों मिर्ची का इस्तेमाल किया है। अब इसे एक थाली से ढक देना है। यहाँ पर तिल चटक रहा है, अच्छे से फूट जाए और मिर्ची तल जाए। 1 मिनट बाद हम थाली हटाकर देखेंगे, हमारा मिर्ची तल गया है। इस पर डालेंगे आधा छोटा ग्लास पानी। थाली को ढककर ही पानी डालना है, पानी ज्यादा नहीं डालना है। 2 मिनट ऐसे ही छोड़कर पानी को उबाल आने के लिए रखना है। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखना है पानी में उबाल आया कि नहीं। यहाँ पर मेरा पानी उबलने लगा है। इसमें डालना है जो फरा मैंने तैयार किया था। फरा को धीरे धीरे डालें। यहाँ पर पूरा फरा डाल दिया है। अब मैं इस पर ढक्कन लगा के इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे यहाँ पर हमारा फरा पक चुका है। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे चम्मच की सहायता से पलट लेंगे। हमें फरा को एक ही साइड सेकना होता है और एक साइड भाप से पकता है। हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। इसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, 4 हरी मिर्ची, 4 से 5 लहसुन और थोड़ा सा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। इसे हमें मिक्सी में डालकर पीस लेना है। अब इसे फरा के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं नया वीडियो डालूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, कमेंट करें मेरे वीडियोस पर
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।